हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम जाने क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? लिखा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन क लोकसभा, ख विधानसभा, घ मंत्रिमंडल, घ पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन क बेंगलुरु, ख नई दिल्ली, घ मुंबई, घ पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन क छत्तीसगढ़, ख उत्तराखंड, ग चंडीगढ़, घ केरल। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, पता है तो, नहीं तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग चंडीगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन क किंग मार्टिन लूथर, ख महात्मा गांधी, ग ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, घ जेड गुड्डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, पता है तो, नहीं पता है तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ जेड गुड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 नंबर। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन क प्रत्यक्ष, ख अप्रत्यक्ष, ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, घ सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन क प्रधानमंत्री, ख राष्ट्रपति, ग संसद, घ कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दलित और महादलित की एक नई पहचान बनी है, यानी दलित और महादलित के एक नई पहचान बना है। तो ऑप्शन क उत्तर प्रदेश, ख राजस्थान, ग बिहार, घ हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सामाजिक विभाजन है? ऑप्शन क जटिल, ख सरल, ग न सरल न जटिल, घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जटिल। भारत में जो है सामाजिक भवन की प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन क लोगों का, ख लोगों के द्वारा, ग लोगों के लिए, घ उपयुक्त सभी। आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोकतंत्र क्या होता है कि लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं? ऑप्शन क गरीब भैया, ख बिहारी भैया, ग बिहारी बाबू, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 11 नंबर ऑफ देखना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन क अरस्तु, ख अब्राहम लिंकन, ग रूसो, घ महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अगर आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में लिखा है इस संघ राज्य का उदाहरण है, ऑप्शन क अमेरिका, ख चीन, ग ब्रिटेन, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर लिखा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है। ऑप्शन क 62.6%, ऑप्शन ख 63.6%, ऑप्शन ग 64.6%, ऑप्शन घ 65.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 64.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया। ऑप्शन क 1970 में, ख 1971 में, ग 1973 ईस्वी में, घ 1974 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1971 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन क है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन ख विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन ग एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन घ किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसका सही आंसर ऑप्शन ग भी होगा, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है और इसमें भी लिखा है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी सांप्रदायिक राजनीति ही है। तो इसका आंसर लगाना है ऑप्शन क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2001 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत क्या है। ऑप्शन क 54.16, ऑप्शन ख 75.85, ऑप्शन ग 65.38, ऑप्शन घ 53.70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 53.70। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, ऑप्शन ख यहाँ धर्म की प्रधानता है, ऑप्शन ग यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, ऑप्शन घ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। अब अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में महिला आयोग अधिनियम कब बना। ऑप्शन क 1960 ईस्वी में, ख 1970 ईस्वी में, ग 1980 ईस्वी में, घ 1990 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1990 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ऑप्शन क धर्म निरपेक्ष, ख सांप्रदायिक, ग जातिवादी, घ आदर्शवादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख सांप्रदायिक कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको सांप्रदायिक कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश में तमिलों की संख्या हाल तक बनी हुई थी। ऑप्शन क श्रीलंका में, ख भारत में, ग भूटान में, घ पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में सही कथन कौन है। ऑप्शन क लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ऑप्शन ख सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र
के लिए घातक सिद्ध होता है। ऑप्शन ग, सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन घ, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है कि सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। ऑप्शन क, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन ख, निर्णय लेने में देर करती है। ऑप्शन ग, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन घ, देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, विभिन्न समुदायों के बीच बंटवारा कम करती है, यानी टकराव जो होता है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है सत्ता की साझेदारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। ऑप्शन क, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ऑप्शन ख, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन घ, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित करते हैं। ऑप्शन घ, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन क, 1815 ईस्वी में, ख 1818 ईस्वी में, ग 1825 ईस्वी में, ग 1819 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, 1818 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा आंदोलन लैंगिक असमानता पर बल देता है। ऑप्शन क, सामाजिक आंदोलन, ख नारीवादी आंदोलन, ग धार्मिक आंदोलन, घ राजनीतिक आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, नारीवादी आंदोलन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। वंशवाद का समर्थन, ख नस्लवाद का समर्थन, ग धर्म वंश जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, घ संप्रदायवाद का समर्थन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, धर्म वंश जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ऑप्शन क, धर्म, ख भाषा, ग मानवता और घ जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, मानवता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कि सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन क, धर्म पर, ख जाति पर, ग क्षेत्र पर, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी धर्म पर। सांप्रदायिक की जहाँ भी बात आता है तो समझिए कि धर्म से संबंधित ही होगा, क्योंकि सांप्रदायिक जो होता है धर्म संबंधित ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन क, 7 मार्च, ख 8 मार्च, ग 9 मार्च, घ 10 मार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 8 मार्च। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ऑप्शन क, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन। ऑप्शन ख,
लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन ख, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन ग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन घ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन क, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ग, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। घ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, असम बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। असम बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। ऑप्शन क, जातिवाद। ख, संप्रदायवाद। ग, लिंगाधार। घ, क्षेत्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, क्षेत्रवाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था। ऑप्शन क, नस्लवाद। ख, क्षेत्रवाद। ग, संप्रदायवाद। घ, वर्गवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, पता है तो, नहीं तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, नस्लवाद। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन क, स्वतंत्रता का अधिकार। ख, समानता का अधिकार। ग, संवैधानिक उपचार का अधिकार। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर में लिखा है कि 16वीं लोकसभा चुनाव का किस वर्ष 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ऑप्शन क, 2012। ख, 2013। ग, 2014। घ, 2015। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिएगा ऑप्शन ग, यानी कि 2014। ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन क, प्रोफेसर इकबाल यूनुस। ऑप्शन ख, मोहम्मद इकबाल यूनुस। ग, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। घ, मोहम्मद शफीक यूनुस। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आप आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।